एपिसोड यूथ यूथ के ऊपर है. मैं चाहती हूँ आप यूथ स्पेसिफिक जितनी चीजें हैं ऑन फूड एंड मूड उसको एड्रेस करें. इसके पीछे बहुत थॉट प्रोसेस गया था, कोई ऐसा फूड ना खाएं जिससे आपकी स्टेबिलिटी में फर्क हो, और कोई ऐसी फूड ना खाएं जिससे आपका इंटेलिजेंस कम हो या एनर्जी लेवल कम हो. छोटी छोटी बातें जैसे हल्दी पानी देना, जैसे अदरक डाल देना उसमें डैप टी में, ये सभी चीज़ें नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ावा देती हैं, और ताकि आप वहाँ पर जमे रहें, बातें सुनते रहें, एब्जॉर्ब करते रहें, इम्प्लीमेंट करते रहें, और आपके कॉन्सेंट्रेशन पे कहीं कोई फर्क ना पड़े. ये स्पेशली उन माताओं के लिए है जो बॉदर्ड होती हैं, जैसे बच्चों का एग्जाम होता है तो उनको क्या खिलाएं ताकि वो बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाए और मन में कोई विकार पैदा ना हो उस समय, और बहुत मोशंस भी कंप्लीट हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, ताकि आप दूसरे दिन देर ना हो जाए. क्योंकि ऐसे फूड्स खाने के बाद कई बार जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो लोग देर हो जाते हैं उसमें. तो ये सभी चीजों का ख्याल रखा जा सकता है फूड में. अब आते हैं मूड पे. मूड जी, ये एक ऐसा शब्द है जो हमारे बाद के जनरेशन में बहुत कॉमन है. हम जब स्कूल में थे हमने कभी सुना ही नहीं था कि मूड ऑफ है, कोई मूड नाम की कोई चीज होती भी है, क्योंकि मूड हमेशा अच्छा ही रहता था, और अगर मूड ऑफ भी होता था तो शायद उसको ये नहीं कहते थे, कुछ और कहते थे, और शायद उसके लिए कोई दुनिया में बॉदर्ड नहीं होता था. चार हार्मोन्स हैं, अब मुझे लगता है 4 बिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन हमें चार पता है. तो चार हार्मोन्स हैं, डोज, डी से डोपामीन, ओ से ऑक्सीटोसिन, एस से सेरोटोनिन, और ई से एंडोर्फिन्स. तो इन सब का अलग अलग पैटर्न है आने का और हैप्पीनेस देने का. तो जो हैप्पीनेस का मूड आता है वो हैप्पीनेस का मूड इन हार्मोन्स से आता है, और ये हार्मोन्स गट में बनते हैं, और गट में उस फूड से बनते हैं जो आप फूड लेते हैं. तो आप अगर सैड फूड ले रहे हैं तो आपके हार्मोन सैड होंगे, और ये सैड हार्मोन्स गट से ब्रेन में जाएंगे वेगस नर्व के थ्रू, ये गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं इसको, और सैडनेस फैलाएंगे. इसीलिए खाने में अगर किसी की आह लगी है, चाहे आपने पैसे भी जो खर्च किए हैं, अगर आपके मेहनत के नहीं हैं, अगर यहाँ वहाँ से लेके आपने स्विंडल करके किसी से पैसे ले लिए, और उससे जो अन्न खा रहे हैं वो अन्न भी आपके मूड को डिप्रेस करेगा. इसलिए जो चीज़ जायज़ नहीं है वो करनी भी नहीं चाहिए.